हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी। और आलू की सूखी सब्जी बनाएंगे बिल्कुल मसालेदार टाइप की। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे चार आलू को बॉईल कर लिया है और इसी बॉईल आलू से हम सब्जी बनाएंगे। और इसके साथ साथ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो है लहसुन ले लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप लंबे लंबे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन चिली ली है, उसको भी मैंने काट लिया है। और यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो यही हमें चाहिए। और उसके बाद मसाले में देख लेते हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो इस सब्जी को हम बनाएंगे अभी। और इस आलू को आप हाथों से ही ऐसे हल्का हल्का मोटा मोटा तोड़ लें, इसको बिल्कुल मोटा मोटा ही तोड़े, और इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है आलू को। तो इसी टाइप के हम कर लेंगे आलू को, इसकी सब्जी बना लेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, यहाँ पे मैं जीरा डाल देती हूँ 1/2 चम्मच। और जीरा जब अच्छे से चढ़क जाए उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। तो जीरा अच्छे से हो गया है, यहाँ पर मैं लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन भी जब अच्छे से हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन भी अच्छे से ब्राउन हो गया, इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं। और प्याज के साथ साथ यहाँ पर मैं मिर्ची भी ऐड कर देती हूँ, इसको हम एक साथ जो है भून लेंगे। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं, मिर्ची और प्याज लहसुन। थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही पकाएंगे 1 मिनट तक। उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर देती हूँ, और इसको एक साथ ही हम भूनेंगे, सारे चीज़ों को एक साथ ही फ्राई करेंगे। तो जब कोई सब्जी समझ में ना आए, हरी सब्जी ना हो घर में, तो आप आलू की सूखी सब्जी मसालेदार टाइप की बना सकते हैं। इस तरीके से बना के देखिएगा आप, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको हम पका लेंगे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक इसको पका लिया है अच्छे से। प्याज टमाटर को सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाले देख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और 1/2 चम्मच से भी कम देखिए गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। उसको हम मिक्स कर देते हैं सारे मसालों के साथ, इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ऐसे इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं, फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 3 मिनट तक इसको भून लिया है लो फ्लेम पे, और ये अच्छे से भून के तैयार है मसाला। और इसमें हम अब यहाँ पे आलू जो है वो ऐड कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है हमें, इसको सूखी सब्जी बना रहे हैं तो इसको मसाले से अच्छे मसाले। और सब्जी आपको पास से दिखा देती हूँ, देख सकते हैं सब्जी। तो सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।